सावन महीने की अमावस्या कब है, जिसे हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। आज इस वीडियो में जानेंगे पूजा विधि, साथ ही कुछ उपाय और महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में लेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी। अमावस्या तिथि हमारे पितरों को समर्पित है और अपने आप में विशेष कही गई है। खासतौर पर सावन में पड़ने वाली अमावस्या अपने आप में अद्भुत है। पितरों के लिए किए गए कोई भी कार्य जो है विशेष रूप से वंश वृद्धि, धन संपदा, रोग कर्ज मुक्ति में सहायक होते हैं। आप सभी को भी अपने पितरों के लिए इस दिन सरलतम तरीके से उनके लिए तर्पण, दान, पुण्य, भोजन का दान, विशेष रूप से गरीब ब्राह्मण जी को घर पर बुलाकर उन्हें भोजन कराना, उनके हाथ से तर्पण कराना या एक समय का सूखा भोजन दान में देना बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही यह जो है 2023 में विशेष सहयोग के साथ हो रही है। हालांकि हमेशा पड़ने वाली अमावस्या अपने आप में विशेष होती है, परंतु यह सोमवार के दिन पड़ रही है। इस वर्ष 2023 में 17 जुलाई के दिन सोमवार हो रहा है, तो इस कारण से सोमवती अमावस्या के नाम से यह जानी जाएगी। कई क्षेत्रों में इसे दर्श अमावस्या भी कहा जाता है। अपने आप में विशेष अमावस्या यह हो रही है, तो आप अमावस्या के निवृत्त जो दान पुण्य पूजा पाठ करते हैं ना, उसका लाख गुना फल कहा जाता है। जब सोमवार के दिन सोमवती अमावस्या के रूप में यह हो जाती है, तो ज्यादा जो है शास्त्र प्रमाण कहता है इसका ज्यादा लाभ मिलना जो है प्रमाणिक कहा गया है। तो आप सभी को सोमवती अमावस्या का विधि विधान से पूजन करना है। जैसे कि सोमवती अमावस्या का पूजन पीपल वृक्ष की पूजा के लिए जाना जाता है। पीपल वृक्ष में सभी देवी देवता पितरों का वासा माना जाता है। आप सभी को आवश्यक रूप से इस दिन सबसे पहले पूर्ण रूप से गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना है। शास्त्र प्रमाण तो कहता है कि किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, परंतु यह संभव ना हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हर हर महादेव का उच्चारण करते हुए आप घर पर ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। उसके बाद महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपने पितरों का स्मरण ध्यान करते हुए गंगा जल, जो कि मोक्ष प्रदान करता है, और थोड़ा सा काले तिल मिश्रित कर जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको समर्पित करना है। कहा जाता है इससे पितरों का तारण होता है, शिवलोक में उन्हें निश्चित स्थान प्राप्त होता है। तो आप सभी को सबसे पहले यह कार्य करना है। दूसरा, आप सभी को अपने पितरों के निवृत्त जो है पीपल वृक्ष के नीचे चले जाना है। वहाँ पर आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए एक दीपक जरूर से लगाना है, और साथ ही यह ध्यान करना है कि इससे मेरे पितृ तृप्त होंगे। इस भावना के साथ आपको जल का पात्र, जिसमें काले तिल और गंगा जल मिश्रित कर और थोड़ा सा कच्चा दूध वंश वृद्धि करता है, और साथ ही जो यह गंगा जल होता है वह पितरों के लिए माना जाता है। काले तिल शनि और पितृदोष दूर करने में सहायक होते हैं, तो आपको समर्पित कर देना है। और साथ ही वहाँ पर बैठकर आप चाहें तो पितृ चालीसा का पाठ कर सकते हैं या महामंत्रों का जाप करना भी शुभ माना जाता है। अब आप सभी को कच्चा सूत लेकर, जैसे कि इस दिन 108 परिक्रमा जो है पीपल वृक्ष की जाती हैं, जिसे फेरी कहा जाता है। 108 कोई भी सामग्री आप ले सकते हैं। कई लोग जो है मीठे पुए से फेरी देते हैं, जैसे एक पात्र इकट्ठा कर लेते हैं, एक पात्र रख लेते हैं। कच्चा सूत जहाँ से जो है परिक्रमा लगाते हैं, जहाँ पर खत्म होती है वहाँ पर जो है एक कटोरी में या जो भी सामग्री है उसके अंदर सामग्री डालते चले जाते हैं, और 108 परिक्रमा कच्चे सूत की लगाने के बाद उस सामग्री को किसी गरीब ब्राह्मण को दान में देते हैं, जो या पानी योग्य कोई सुहागिन महिला को दान में आप दे सकते हैं। तो इस तरह से जो है सोमवती अमावस्या की पूजा माना जाती है। और साथ ही पीपल वृक्ष में रोली, चंदन, मोली इत्यादि भी समर्पित करना और कुछ मीठा समर्पित करना अपने पितरों के लिए सोमवती अमावस्या की पूजा को पूर्ण करने वाला माना जाता है। तो आप सभी को इस सरलतम तरीके से कार्य करना है। साथ ही आवश्यक रूप से घर आकर अगर आप अग्नि के माध्यम से अपने पितरों के लिए, जैसे कि अग्यारी के माध्यम से खीर और पूरी का जो है समर्पित की जाती है, तो उस तरीके से दे सकते हैं। ब्राह्मण को घर पर बुलाकर गौ माता के लिए आवश्यक रूप से श्वान के लिए इसमें से हिस्सा निकालना सबसे शुभ माना जाता है, पितरों के लिए आवश्यक माना जाता है। यह आपको जरूर से करना चाहिए। अपने आप में सोमवती अमावस्या सबसे विशेष फल देने वाली अखंड सौभाग्य के लिए मानी जाती है। इस दिन किए गए कोई भी दान पुण्य, कोई भी पूजा पाठ, कोई भी उपाय कहा जाता है, शास्त्र प्रमाणित है कि बहुत अधिक फल देने वाला होता है, पितरों के तारण के लिए माना जाता है। साथ ही घर आकर आप सभी को अपने पितरों के लिए दीप दान जरूर से करना है। घर के मंदिर में ही आपने जो पितरों के लिए स्थान निर्धारित किया है, वहां पर आप सभी को आवश्यक रूप से एक दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए दीपक निश्चित रूप से लगाना है।
इस दिन आवश्यक रूप से जितना संभव हो, सावन का पवित्र महीना चल रहा है, पितृदोष से आप प्रभावित हैं या पितृक कोई समस्या चलती है, वंश वृद्धि नहीं होती, तो इस दिन पीपल वृक्ष को रोपित करना, पीपल वृक्ष को किसी को दान में देना जिससे कि वह सेवा अर्चना कर सके, पूर्ण रूप से उसका पालन पोषण कर सके, बहुत शुभ माना जाता है। सावन के पवित्र महीने में पीपल का वृक्ष फलता फूलता है और आपके वंश वृद्धि भी इसमें सहायक मानी जाती है। तो आप सभी को सरल सा कार्य जरूर से करना है। हालांकि कई उपाय प्रचलित हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, परंतु चलते फिरते सामान्य सरल तरीके से इस दिन अन्नदान, जलदान, गौदान, भूदान, वस्त्रदान, अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार जो आपकी इच्छा है अपने पितरों के लिए, जैसे कि जूते, छाता, जो आपके पितरों के लिए प्रिय वस्तु है, उन्हें काफ़ी प्रिय है, थी, पसंद थी, उसके अनुसार दान करने का प्रयास करें। निश्चित ही आपको लाभ होगा। इससे पहले अमावस्या के दिन, सोमवती अमावस्या के दिन बाल धोए या नहीं, मासिक धर्म में कैसे पूजा करें, पूरी जानकारी की वीडियो मैंने एक एक चीज को लेकर आपके लिए दी है। कृपया उस वीडियो को देखिए, निश्चित ही आपको लाभ प्राप्त होगा। हर हर महादेव।